कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोग देख रहे थे द्विघात समीकरण, इसके बाद एक क्लास और आएगी, आपका ये टॉपिक भी एंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके संबंध में जितने भी क्वेश्चंस हैं आप एग्जाम में इजीली कर पाएंगे, ठीक। देखिए बच्चों, एक टाइप और है आपका द्विघात समीकरण का, नेक्स्ट टाइप लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप लिखना, आप हमेशा ध्यान रखना, कोई भी हम दो राशि मान लेते हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। यदि अल्फा व बीटा किसी द्विघात समीकरण के मूल हैं तो कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा 10 15 जो भी है, ठीक है। लिखो, यदि अल्फा व बीटा, यदि इसको अल्फा ही बीटा, ठीक है, यदि अल्फा व बीटा किसी द्विघात समीकरण के मूल हैं तो, किसी द्विघात समीकरण के मूल हैं तो, ठीक है। यदि अल्फा व बीटा किसी द्विघात समीकरण के मूल हैं तो, अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 6, 5 जो भी नंबर, हम कुछ मान लिया जो भी नंबर होगा, ठीक है। एक्स वाई इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमारा एक्स द्विघात समीकरण में देखने को मिलता है, हैबिट है उस चीज के में, ठीक है। तो लिखो, यदि अल्फा व बीटा किसी द्विघात समीकरण के मूल हैं तो एक्स स्क्वायर लिखना, एक्स स्क्वायर माइनस लिखना अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो, प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो, ये एक द्विघात समीकरण हो जाती है बच्चों, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है, द्विघात समीकरण। कहने का मतलब आपको अल्फा व बीटा कोई मूल दिए हुए हैं, कुछ भी दिया हो सकता है, ठीक है। जैसे कहेगा किसी द्विघात समीकरण के मूल 2 और 4 हैं तो वह द्विघात समीकरण कौन सी होगी, इस प्रकार से, ठीक। देखो, यदि अल्फा व बीटा किसी द्विघात समीकरण के मूल हैं तो समीकरण ये बनती है बच्चों, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस जो मूल दिए होंगे उनको जोड़ोगे, उसके पीछे x लगा दोगे, और जो मूल दिए होंगे उनको गुणा करोगे, बराबर 0 लिख दोगे, तो ये द्विघात समीकरण बन जाते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये क्या है, मूलों का योग है, मूलों का योग, और वो उधर क्या है, मूलों का गुणनखंड, मूलों का गुणनखंड, ठीक है, या गुणनफल, जो भी गुणनफल लिखो, मूलों का गुणनफल होता है लास्ट वाला, ये ध्यान रखना। यानी द्विघात समीकरण में दो मूलों का योग x के साथ और उनका गुणनफल, इस प्रकार के द्विघात समीकरण बनती है। अब आप कहोगे सर इसके क्या समझे, पेपर में क्या आएगा, मैं बताता हूँ पेपर में क्या आएगा, ठीक है। तो लिखो, यदि द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा व बीटा हैं तो, जहां अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2, तो समीकरण क्या होगी, ठीक है। लिखो, यदि अल्फा प्लस बीटा, क्वेश्चन लिखो इसके आधार पर, ठीक है। देखो, यदि अल्फा प्लस बीटा किसी द्विघात समीकरण के दो मूल हैं, यदि अल्फा प्लस बीटा किसी द्विघात समीकरण के दो मूल हैं, जहां अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, जहां अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 तथा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2, तो द्विघात समीकरण क्या होगी, तो द्विघात समीकरण क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछ दिया उसने, ठीक है। तो द्विघात समीकरण, कहने का मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये कहना चाह रहा बच्चों, अल्फा व बीटा दो द्विघात समीकरण के मूल हैं, जहां उसने दे रखा है मूलों का योग इतना है, मूलों का अंतर इतना है, तो द्विघात समीकरण क्या होगी। अब हमारे लिए कितना आसान है बच्चों, हम जानते हैं कोई भी द्विघात समीकरण का योग एक्स लगा देंगे, अल्फा प्लस बीटा के पीछे एक्स, लेकिन अल्फा बीटा कहां से लाएंगे, अल्फा माइनस बीटा तो है, अल्फा ये वाला देखो, हम द्विघात समीकरण कैसी होगी, ऐसी होगी कुछ, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रख देंगे, माइनस तो माइनस रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा कितना है 8, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है 8, हमने लगा दिया 8x प्लस, अब क्या लगाएं, अल्फा प्लस अल्फा बीटा, अब अल्फा बीटा का मतलब अल्फा प्लस बीटा 8 दिया हुआ है, लेकिन हमें अल्फा और बीटा नहीं पता, यानी अगर हमें अल्फा भी पता होता अलग से बीटा भी पता होता, दोनों को गुणा करते हैं हम इसका आंसर, तो वो द्विघात समीकरण कुछ ऐसी होगी बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग दिया हुआ है 8x, देखो 8 दिया है एक्स समीकरण में लगता है, प्लस अल्फा बीटा, अब अल्फा बीटा की जगह क्या रखें, इज इक्वल टू 0, अब यही जो चीज है यहां पे जो लिखनी है हमने, ये फाइंड करनी है। अब हम कैसे फाइंड करेंगे, अब देखो बच्चों, जब कभी भी इस तरह के दो समीकरण दी होती है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, आप एक बार अल्फा निकाल लो खुद ही आपको बीटा निकल जाएगा, या आप बीटा निकालो खुद ही अल्फा निकल जाएगा। देखो, आप इन दोनों समीकरणों को जोड़ने पर लिखो, जोड़ने पर क्या होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ऐसा ही होगा ना, अल्फा में अल्फा जोड़ोगे कितना हो जाएगा बच्चों 2 अल्फा, ये प्लस है, ये प्लस है, ये सॉरी ये प्लस, ये देखो जोड़ने पे लिखा ना आपको, ये प्लस होगा तो ये साइन क्या है बच्चों, माइनस है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ 2 अल्फा बचा, और ये 8 में से 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 10, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 10/2 यानी 5 आ जाएगी। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा में अल्फा 5 है, ठीक है, दोनों का योग कितना है 8 है, उसमें से एक कितना है 5 है, वो कौन है अल्फा, तो दूसरा कितना होगा बच्चों बीटा 3 होगा,
पांच तीन आठ ना, यही तो होगा। कितना आसान है बताओ, आपसे ये कह रहा हूं अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फा माइनस बीटा दिया है। अब आपको पता है द्विघात समीकरण ऐसी होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस, यहां पे क्या था, अल्फा बीटा होता है। अब अल्फा बीटा में आपको अल्फा बीटा की वैल्यू अलग अलग नहीं पता है, तो आपने अल्फा निकाल दिया, यहां से पांच आया क्योंकि दोनों को जोड़ा आपने, टू अल्फा बराबर दस, अल्फा बराबर पांच। अब अल्फा प्लस बीटा आठ है जिसमें अल्फा पांच है, तो बीटा कितना होगा, तीन होगा। बस अब यहां पर क्या रखोगे, अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा को इंटू कर दो, पांच तीन पंद्रह, तो ये समीकरण बन गया आपकी द्विघात समीकरण। तो एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू जीरो ही आपका द्विघात समीकरण होगी। तो अगर आपको पेपर में आएगा तो आप कर लेंगे इस वाले क्वेश्चन को। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछे, जहां आप ध्यान रखना हमेशा एक्स, जब दो द्विघात समीकरण के मूलों का योग दिया हो, मूलों का गुणनफल दिया हो, तो द्विघात समीकरण फाइंड करना बहुत आसान है। लेकिन ये ऐसे डायरेक्ट देगा ये जरूरी नहीं है, कभी दे देगा मूलों का गुणनफल इतना है तो द्विघात समीकरण का क्या होगा, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों, अब आप समझ गए ना इस चीज को, अगला क्वेश्चन लिखना, ठीक है। यहां मैं साइड में क्वेश्चन लिखता हूं, ये वाला फॉर्मूला आपका रहेगा ही रहेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग 6 तथा उनका गुणनफल 18 हो तो द्विघात समीकरण क्या होगी। सिंपल सा आप इसने नॉर्मल दे दिया, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग 6, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग 6 तथा उनका गुणनफल 18 हो, तथा उनका गुणनफल 18 हो, तो वह द्विघात समीकरण क्या होगी। अब ये तो बहुत ही आसान दे दिया इसने। आपको पता है जब मूलों का योग दिया हो, मूलों का गुणनफल दिया हो, तो द्विघात समीकरण क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग। मूलों का योग कितना है, दिया है ना 6, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, पीछे से क्या है क्वेश्चन में, एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, प्लस लगा दिया, मूलों का गुणनफल दिया है 18 बराबर 0, ये होती है द्विघात समीकरण। कितना आसान है देखो, और इसके मूल निकालने होंगे तो पेपर में आपका आना है मूल निकालना। मैं आपसे कंफर्म कह रहा हूँ, एक द्विघात समीकरण दी हुई, उसका एक मूल ये, तो दूसरा मूल क्या होगा, या द्विघात समीकरण के मूल क्या है, या द्विघात समीकरण के मूलों का अंतर क्या है, या इस द्विघात समीकरण के मूलों का योग क्या होगा, या इस द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल क्या होगा, उसी के आसपास इर्द गिर्द क्वेश्चन घुमाएगा, इससे ऊपर कुछ नहीं पूछेगा। देखो कितना आसान है, आपको पता है कि जब मूलों का योग दिया है, मूलों का गुणनफल दिया है, तो द्विघात समीकरण हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अगला लिखना, वह समीकरण क्या होगी जिसके मूल 8 व 12 हो, ठीक है। वह द्विघात समीकरण क्या होगी जिसके मूल 8 व 12 हो। अब क्या कहते हैं इसने, वह द्विघात समीकरण क्या होगी जिसके मूल 8 व 12 हो, ठीक है। दो क्वेश्चन दे दिया, एक द्विघात समीकरण पूछ रहा है जिसके मूल 8 व 12 हो। अगला क्वेश्चन लिखना, 8 व 12 हो, यानी दो मूल दे रखे हैं आपको। वह द्विघात समीकरण क्या होगी जिसके मूल 8 व 12 हो। अब कितना आसान, आपको पता है मूल दिए हैं तो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल के अलावा कुछ होता है क्या द्विघात समीकरण में। आप हजार क्वेश्चन कर सकते हैं ऐसे, मूल दे रखे हैं, आपको पता है मूल दिए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो, ये होती है द्विघात समीकरण। अब मूल दे रखे हैं, मूलों का योग नहीं दे रखा है, तो मूल दिए तो मूलों को जोड़ दो ना, 12 और 8 में कितना होता है 20, ये वाली वैल्यू 20 हो जाएगी, और 12 और 8 को इंटू करो 6n, बी वाली वैल्यू 96 हो जाएगी। रख दो फॉर्मूले में, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 96 इज टू जीरो। क्या आपको टफ लगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 96 लिखने में कोई प्रॉब्लम हुई? मुझे लगता नहीं कि आपको कोई भी इसमें दिक्कत या किसी प्रकार की समस्या का आपको इसमें सामना करना पड़ा होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम देखते हैं, यदि द्विघात समीकरण में दो मूल दिए हुए हैं अल्फा प्लस बीटा, तो आप द्विघात समीकरण के मूलों के योग और मूलों के गुणनफल के आधार पर उस द्विघात समीकरण को फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए पूरे चैप्टर में हमने कितनी चीजें सीख ली है, द्विघात समीकरण का गुणनफल आपको पता चल गया, द्विघात समीकरण का योग क्या होता है ये आपको पता चल गया, माइनस बी बट्टा ए होता है ना योग, और गुणनफल क्या होता है सी बाई ए। अगर कोई द्विघात समीकरण दी है इस प्रकार से, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इसके द्विघात समीकरण के मूल अगर आपसे पूछेगा द्विघात समीकरण के मूलों का योग क्या होगा, कितना आसान है, माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी कितना हो गया 7 बट्टा ए, ए के आगे गया है एक्स स्क्वायर की ए, और मूलों का गुणनफल पूछेगा तो सी बट्टा ए, 9 ए के आगे कितना है, कितना आसान है, यानी 9। अब आंसर क्या होगा, माइनस 7 और 9, कितना आसान, देखो ये होगा मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। कितना मतलब किस तरीके से क्वेश्चन है, एक एक लाइन में आप इजिली इसको कर पाओगे, और द्विघात समीकरण से संबंधित पेपर में 3-4 नंबर कहीं नहीं गए बच्चों, आपको इजिली आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखो एक क्वेश्चन लिखो, अल्फा प्लस अल्फा व बीटा द्विघात समीकरण, यदि अल्फा व बीटा द्विघात समीकरण 5, देखो अल्फा व बीटा द्विघात समीकरण 5 प्लस रूट 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 प्लस रूट 5 एक्स, देखिएगा आपको बहुत भारी भरकम, ठीक है, प्लस 8 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू 0, प्लस 8 प्लस 2 रूट 5
इज इक्वल टू जीरो के मूल हैं। यदि अल्फा प्लस बीटा 5 प्लस रूट 2 का के बाहर एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर लिखो माइनस 4 प्लस रूट 5 के बाहर x प्लस 8 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू जीरो के मूल हैं, तो 2 अल्फा प्लस बीटा के मूल हैं, तो 2 अल्फा बीटा अपॉन 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अपॉन अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अब आप कहोगे सर इतना हार्ड क्वेश्चन क्यों दिया आपने, देख के ऐसा लगेगा ये कहीं आया भी है एसएससी वगैरह में, अब देख के ऐसा लग रहा है कि यार कितना जो हार्ड होगा। देखो ये द्विघात समीकरण है ना, पहले एक्स के स्क्वायर के आगे कुछ, फिर एक्स के आगे कुछ, फिर एक अचर राशि, उसके बाद जीरो, ठीक है। अब आप बताओ इसका वैल्यू पूछा है 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस है। अब इसमें क्या दिया इसने, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, द्विघात समीकरण का गुणनफल, यही तो होता है ना, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, द्विघात समीकरण का योग। अब बताओ आप 2 की जगह 2 रखोगे, अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा बीटा ना, तो द्विघात समीकरण का गुणनफल क्या होता है, सी बट्टा ए, यही तो होता है ना, सी कितना है ये है और ए कितना है ये एक्स स्क्वायर के आगे लगे, इसकी वैल्यू लिख लोगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, द्विघात समीकरण का योग, द्विघात समीकरण का योग क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी कितना होगा, माइनस ये बट्टा ए, इतना ही तो आंसर है, उसको सॉल्व करना है। अब देखो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं इसका मान क्या होगा, कैसे लिखोगे आप खुद चेक करो। देखो 2 तो ऐसा ही आएगा, अल्फा बीटा क्या है बच्चों, द्विघात समीकरण का गुणनफल, द्विघात समीकरण का गुणनफल कितना होता है, सी बट्टा ए, सी कितना है 8 प्लस रूट 5, ये 2 तो ऐसा ही रहा, इंटू 8 प्लस 2 रूट 5 अपॉन सी बट्टा ए, कहा ना ए कितना है बच्चों, ये 5 प्लस रूट 2, 5 प्लस रूट 2 इतना आया। अब ये अपॉन है, हम भी अपॉन कर देंगे, ऐसे डिवाइड कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, द्विघात समीकरण के मूलों का योग, मतलब अल्फा प्लस मूल, और उसका फॉर्मूला कितना होता है, माइनस बी बट्टा ए, ये होता है माइनस बी, माइनस तो प्लस ये फॉर्मूले में है और ये ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, तो हम खाली इतना लेंगे, ये माइनस तो फॉर्मूले वाला है और ये हमारी पूरी वैल्यू इतनी है, बी इतना है, ये साइन के साथ लिखते हैं लेकिन ये तो फॉर्मूले वाला है, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो बचेगा कितना, 4 प्लस रूट 5, 4 प्लस रूट 5 अपॉन कितने हैं, बी बट्टा ए, कितने हैं 5 प्लस रूट 2, 5 प्लस रूट 2, क्या इस फॉर्मूलो के हो, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, इतना टफ तो है नहीं जितना आपको लग रहा होगा। 5 प्लस रूट 5 देखो, 5 प्लस रूट 5, 4 प्लस रूट 5 और 8 प्लस रूट 2, ये बच्चों डबल है, दो बार कैंसिल हो जाएगा, कैसे, 4 दुना 8, इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये 2 और ये रूट 5 से रूट 5, यानी ये तो पूरा दो बार कैंसिल हो जाना है आपको, ये तो 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब उसको ऊपर ले आओ, आप कितना बचा उसको ऊपर ले आओगे, तो वो खुद ही कैंसिल हो जाएगा बच्चों, जब नीचे आएगा 5 प्लस रूट 2, ये ऊपर नीचे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, वो दो बार कैंसिल होगा, ये इससे दो बार कैंसिल होगा और इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 दुना 4, 4 इसका क्या हो जाएगा आंसर, 2 ये है, दो बार कैंसिल हुआ, 2 दुना 4। नहीं समझ आ रहा, आप क्या करोगे, इतना रखोगे, इनको ऊपर ले आओगे, भिन्न चेंज कर दोगे इसको, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर ले आओगे, तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, वो दो बार कैंसिल होगा, तो 2 दुना 4 इसका आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल है, देख के लग रहा कितना जो टफ होगा, कैसा जो होगा, इतना होता नहीं है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखना, यदि अल्फा प्लस बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एम के ऐसे मूल हैं कि, अब बता दे, लिखो, यदि अल्फा प्लस बीटा बहुपद पूरा लिखना है, ठीक है, यदि अल्फा प्लस बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एम के ऐसे मूल है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 हो, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 हो, तो एम का मान क्या हो। ये कह रहा, यदि अल्फा प्लस बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एम के ऐसे मूल हैं कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, तो एम का मान क्या होगा। अब आपने क्या कर रखा है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसके आगे जीरो नहीं लगा रखा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये इसके ऐसे मूल है कि इसकी वैल्यू दे दी अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो एम की वैल्यू क्या होगी, ये सिंपल सा पूछ रहा है बच्चों। अब आपको पता है यार इसने अल्फा माइनस बीटा तो दिया हुआ है 1, काश हमारे पास अल्फा बीटा या कुछ ऐसा होता, हम इसको निकाल पाते, ठीक है। अब चूंकि आप खुद सोचो बच्चों इस क्वेश्चन को किस तरीके से करोगे, अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या दिया है इसने, खुद दिया इसने पेपर में, दिया है क्वेश्चन में अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, क्या आप यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे,
अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? मूलों का योग। याद रखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? मूलों का योग। और मूलों के योग का फॉर्मूला माइनस बी बट्टा ए। माइनस बी की जगह कितना हो जाएगा? माइनस पांच। ये माइनस तो प्लस वाला, ये माइनस पांच बट्टा ए। ए की जगह एक्स स्क्वायर गया, माइनस माइनस फाइव, ये पांच हो गया। देखो माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, और ये वन, ये फाइव हो गया। अब बताओ ये आपने कैसे निकाला अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि आपको पता है, आपको, आप ज्ञानी है, अल्फा प्लस बीटा आपको पता है कि मूलों का योग होता है, फॉर्मूला क्या है? माइनस बी बट्टा ए। आपने फाइव निकाल दिया। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा आपके पास है, अल्फा माइनस बीटा दिया है, क्या यहां से अलग से अल्फा और अलग से बीटा आप निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। दोनों को जोड़ने पर करोगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी। लास्ट में क्या पूछा? तो एम का मान क्या होगा? एम किस जगह पे है? लास्ट पे है। तो m का मान पक्का हमें गुणनफल से मिलेगा। कैसे? हमें पता है कि मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा क्या होता है? c बट्टा a। c की जगह कितना रखा है? m। a की जगह कितना रखा है? a। अब हमें काश ये वैल्यू पता चल जाए अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, तो हम ऑलरेडी m निकाल देंगे। अब अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालोगे? आपको पता है कि यार अल्फा, ये समीकरण दे रखी है हमको, यहां से अल्फा निकाल लेते, बीटा निकाल लेते, तो दोनों को गुणा कर देंगे। तो कैसे निकालोगे? दोनों को जोड़ने पे, जोड़ने पे हमेशा साइन नहीं बदलते हैं बच्चों, ठीक है? ये प्लस, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, ये कैंसिल हो गया। अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया? टू अल्फा बराबर पांच, में एक जोड़ो छह, अल्फा बराबर तीन आ गया बच्चों। अल्फा कितना आ गया? तीन। अब अल्फा तीन आ गया तो किसी भी समीकरण में रख लो आप, बीटा भी निकल जाएगा आपको। आप इसी में रख दो, अल्फा की जगह तीन रखो, बीटा यहीं रहने दो, ये पांच हो जाएगा, ये बीटा, ये बीटा यहीं रहेगा, उधर चले जाएगा, पांच में तीन घटाओ दो हो जाएगा, बीटा बराबर दो। अब बताओ अल्फा तीन बीटा बराबर दो। अब आपसे क्या पूछ रहा? एम की वैल्यू क्या होगी? एम क्या है? गुणनफल वाली जगह। तो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? सी बट्टा ए, एम बट्टा ए। अल्फा इंटू बीटा करो, तीन दूना छह, छह बराबर एम बट्टा एक, यानी एक तो ऐसे ही रहा, तो एम बराबर छह। कोई टफ है बताओ तो मुझे एक बार। आपको द्विघात समीकरण दी गई है और इस प्रकार से इसको दिया गया है कि आप इसको इजीली क्या कर सकते हो बच्चों? फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है? एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, आप इसको कर पाते हैं नहीं कर पाते, कुछ क्वेश्चन आप लिख लीजिए होमवर्क के रूप में। लिखो एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस टू के इज इक्वल टू जीरो, पूरा क्वेश्चन लिखना है। एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस टू के, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस 2k is equals to 0, ये होमवर्क है, ठीक है? का एक मूल x बराबर 4 है, का एक मूल x बराबर 4 है, का एक मूल x बराबर 4 है, तो दूसरा मूल क्या होगा? तो दूसरा मूल क्या होगा? दूसरा मूल क्या होगा? ठीक है, देखो कितना आसान से दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस टू के इजिकल टू जीरो, का एक मूल एक्स बराबर चार है, तो दूसरा मूल क्या होगा? कैसे करोगे इसको? एक मूल आपको दे रखा है बच्चों, तो मूलों का योग क्या होता है? हमेशा देखना मूलों का योग क्या होता है। मूलों का योग होता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा होता है ना, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? बी बट्टा ए। बी कितना है? माइनस बार, माइनस बार प्लस हो जाएगा, ये माइनस से माइनस, बी बट्टा ए, बार बट्टा एक, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बार हो गया। उसमें एक वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है एक्स बराबर चार वगैरह, मतलब आप अल्फा मानो या कुछ मानो, ये चार है, एक चार है तो दूसरा गया है, चार बीटा बराबर बार, बीटा बराबर बार उधर जाके आठ हो गया, ठीक है? माइनस हो गया, कितना आंसर मतलब इजीली आपका निकल गया, आठ है, ठीक है? ये होमवर्क के रूप में क्या यही बता दिया मैंने। अगला लिखो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस के इज इक्वल टू जीरो, का एक मूल एक्स बराबर तीन हो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस के, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस के का एक मूल एक्स बराबर, का एक मूल एक्स बराबर तीन हो, तो दूसरा मूल क्या होगा? का एक मूल एक्स बराबर तीन हो तो दूसरा मूल क्या होगा? एक क्वेश्चन आपको ये करना है। और जो तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को जो कर लेगा सॉल्व, जो आंसर लिख लेगा कमेंट सेक्शन में, उसको दो रुपए की नकद धनराशि क्या की जाएगी? इनाम स्वरूप प्रदान की जाएगी, ठीक है? लिखो यदि समीकरण फोर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एट बराबर जीरो, यदि समीकरण फोर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स बराबर एट, फोर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो, यदि समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस एट, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी फोर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो, का एक मूल दो है, तो पी का मान क्या होगा? का एक मूल दो है, एक मूल दो है, तो पी का मान क्या होगा? सिंपल सा है, पी का मान क्या होगा कह रहा, पी का मान मतलब योग वाला। आप क्या करना, अल्फा बीटा फाइंड करना, अल्फा बीटा फाइंड करोगे तो कहीं ना कहीं पी आपको दिमाग में क्लिक कर जाएगा। जिसने इसमें पी का मान निकाल दिया उसको दो रुपए की नगद धनराशि दी जाएगी। आप क्या करना, एक बार अल्फा बीटा निकाल देना, यानी गुणनफल सी बट्टा ए कर देना, उससे आपका सी बट्टा ए निकालोगे तो गुणनफल हो जाएगा, और सी बट्टा ए में से आपको पता है कि एक मूल ऑलरेडी दिया है दो, तो दो दिया है तो उन दोनों को गुणा करने के बाद जितना आ रहा होगा, यानी जैसे आपका सी बट्टा ए आठ आया, सी मतलब गुणनफल आठ आया, उसमें से एक मूल दिया है, यानी अब सपोज अल्फा दिया है, अल्फा को किससे गुणा किया कि आठ आया आपने, चार से गुणा किया, यानी चार दुना आठ ही, ठीक है? तो इससे अल्फा भी पता चल जाएगा, बीटा भी पता चल जाएगा। तो कह रहा है कि पी का मान क्या होगा, पी कहां पे है, योगफल में। योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए, बी
बी की जगह माइनस पी रख देना, माइनस पी बट्टा ए, ए की जगह चार हो गया, इसकी वैल्यू आपको पता होगी, तो यहाँ से पी आप निकाल लोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करना, इतने प्रकार के क्वेश्चन, दो तीन प्रकार के क्वेश्चन आपके होमवर्क स्वरूप आपको करने हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे और आप इसके घर पर प्रैक्टिस करोगे। विदाउट प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा बच्चों, बहुत मुश्किल आपको हो सकती है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो, और प्रैक्टिस करेंगे बहुत आसानी आपको होने वाली है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।